वो निकल गई तेरी सारी एकड़ी, अब ऐसे बवासीर वाला मुंह क्यों बना रखा है? चंदू चिल्लाट, डर मत, बोल दियो चाचा विधायक है हमारे। मैं इसके साथ नहीं रह सकती, देख उसको तू पसंद है और मेरे को उसकी बहन, इट्स म्यूचुअल कंसेंट। अब तू नहीं बचेगा। पागल बुड्ढा सैलरी नहीं बढ़ाता था। मुझे मत मारो, ऐसे छोड़ दूं तुझे? तेरी वजह से मेरी बंदी ने मुझे छोड़ दिया। हर महीने एग्जाम, हर महीने प्रैक्टिकल, ऊपर से प्रोजेक्ट। आई लव यू बेबी। अब बोल इस फिश मार्केट, सबको पता है तू 3 साल से मिस रोजी को पटाने की कोशिश कर रहा है, पर वो तुझसे नहीं पटेगी। मिस रोजी का नाम मत ले हैरी, हट जाओ हैरी। तू गधा है साले, मेरी बहन पे मुंह मारते हुए शर्म नहीं आई तेरे को? तेरी तो साले। आज ही इनरोल करो और बनो इस हमारी जादुई नगरी के स्टूडेंट। यहाँ तुमको मिलेगा रोज गंदा समय का खाना, घटिया रूल्स, ऐसी सीढ़ियाँ जिसपे तुम पक्का गिरोगे, और इतनी शांत लाइब्रेरी जिसमें तुम कभी भी सो सकते हो। टीचर्स की जाटनी जरूरी है, और तुमसे लाखों रुपए फीस लेके हम तुम्हें टोपी पहनाएंगे। बंदीबाजी के लिए कॉलेज में एक लवर्स पॉइंट है, और रोज लॉन में तुम्हें ही झाड़ू मारना पड़ेगा। केमिस्ट्री लैब में दारू बनाना अलाउड है, बस धमाका नहीं होना चाहिए, और तुम लोगों को एकदम जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे हम। तो इंतजार किस बात का, आज ही इनरोल करो हमारे कोर्सेज के लिए और शामिल हो जाओ हमारी जादू नगरी में, और बन जाओ एक आम मगल से एक विजार्ड। एक्सपेक्टो पेट्रोनम, सब्सक्राइब करो नम। आज तो किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या मस्त मूवी देखी रे, मजा ही आ गया। अबे इतना उछल क्यों रहा है, क्या हुआ साले? आज से तेरा भाई जादू सीखेगा। एक्सपेक्टो पेट्रोनम। ये जादू वादू कुछ नहीं होता, ये सब बॉलीवुड के टंटे हैं बस। अरे बॉलीवुड की नहीं, हॉलीवुड की मूवी देख के आज तेरा भाई। अरे वाह, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तेरे को कब से समझ आने लग गई अंग्रेजी पिक्चर? हिंदी डब थी रे। अच्छा, मैंने तो पंजाबी में देखी थी। वो सब छोड़, आज से तेरा भाई भी पॉटर हेड है। अबे काहे के पॉटर हेड, दो मूवी देखी नहीं हैरी पॉटर की कि बायो में पॉटर हेड लिखेंगे? अपने घर में तो इज्जत मिलती नहीं, और हॉगवर्ट के हाउस डिसाइड करके घूमेंगे। बेबी आई एम ग्रिफिंडोर, व्हाट आर यू? एंड आई एम ह्यूमन। स्कूल की किताबें रटी नहीं जाती तुमसे, पर हैरी पॉटर की चैंट्स बराबर याद है सबको। व्हाइटनर के नशे उतरे नहीं, और बटर बियर पीना है सबको। 8 points for मीनाक्षी, 5 for कनिष्का, 9 for एलिशा। आए बड़े डंबलडोर की औलाद, जेंसी का ड्रामा। ओयो सबको जाना है, पर कॉन्डम मांगते वक्त लोगी उतनी फटती है जितनी वोल्डेमॉर्ट के नाम लेने में फटती थी। भैया एक शेरवानी देना। अरे भैया दर्जी आगे से लेफ्ट। अरे मेरा मतलब छतरी देना। अरे भाई साहब मगर बारिश का मौसम तो चला गया ना। अरे भैया समझ लो ना, प्रोटेक्शन चाहिए। अरे भैया साफ साफ बोलो ना, कॉन्डम चाहिए। ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। सब्जी वाले से उस दिन गोभी मांगी तो वो भी सिखाने लग गया। भैया गोभी कैसे दी? इट्स गोभी, इट्स नॉट गोभी। हट, लेनी नहीं है तेरी सब्जी, भाग यहाँ से। अरे सुन लो यार, अरे भाई साहब 5 रुपए कम दे देना। अरे कल वो इस्त्री वाले को कपड़े प्रेस करने के लिए क्या दिए, डोबी इस्त्री बोल के वो निकल गया। जा कपड़े ला उससे। यू आर फूल। हट, चल बुरा मत मान, अब तेरा इतना ही मन है तो करा देते हैं तेरे एडमिशन इंडिया के सबसे बड़े मैजिक स्कूल में, आबरा का डाबरा। मैं यहाँ हॉगवर्ट्स जाने की बातें कर रहा हूँ, और तू ये क्या फर टीचर स्कूल की बात लेके बैठ गया? अभी तेरे को आबरा का डाबरा स्कूल नहीं पता क्या? नहीं तो मेरे को तो बस बाबा का ढाबा पता है। अरे टीवी ऑन कर, तेरे को दिखाता हूँ आबरा का डाबरा स्कूल ऑफ मैजिक। हॉगवर्ट्स वॉगवर्ट्स सब भूल जाएगा तू। गुरु आदित्यनाथ हमारे डंबल डोर बनाते हैं स्कूल ऑफ मैजिक आबरा का डाबरा सस्ता हॉगवर्ट्स, और वो एक शक्तिशाली मैजिक वॉन्ड तैयार करते हैं। तो मूवी के शुरू होते ही हम गेस कर सकते हैं कि मूवी में कितना रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है। औकात मेरे। जादूगरनी बिजली आदित्यनाथ की छड़ी पाने के लिए उसकी शरण में आ जाती है। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी। अब होती है अल्टीमेट फाइट, बिजली वर्सेस आदित्यनाथ, जिसमें दोनों ही मर जाते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और आदित्यनाथ की आत्मा वहीं मिरर में कैद हो जाती है, और अब उसका एक ही मकसद है कि वो छड़ी को प्रोटेक्ट करे। 200 साल बाद सस्ता हैरी पॉटर उर्फ शानू आबरा का डाबरा स्कूल ऑफ मैजिक में एडमिशन लेता है, और उसको वहाँ मिलता है हैग्रिड उर्फ लिंबू चाचा, जो स्कूल का माली, चौकीदार, नौकर, ड्रग सप्लायर सब कुछ होता है। स्कूल की प्रिंसिपल होती है आर्मी, जो गंदे से डायलॉग मारती है और बच्चों को अपने मैजिक से बुली करती है। औरत तो मैं हूँ राहुल। और उसका एक उड़ता हुआ टकला नौकर होता है जुलू, जो एग्जैक्टली वोल्डेमॉर्ट जैसा दिखता है। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। आते ही सस्ता ड्रैको मैलफॉय चंगेजी, जिसका हेयर कट किसी टिकटॉकर से कम नहीं है, सस्ते हैरी पॉटर को बुली करता है अपनी गैंग के साथ। ओ छपरे यूट्यूबर। यहाँ सस्ते हैरी पॉटर को मिलती है हरमोइनी, आई मीन पिंकी। इस लड़की को आपने रिसेंटली देखा होगा।
या शायद हिमेश रेशमिया की एल्बम्स में जिनको कोई नहीं सुनता। हाँ सॉरी सॉरी। और डिंकी जो रॉन वीजली है। फाइनली होती है फर्स्ट क्लास जहाँ सब मॉन की शक्ति से ड्राइंग बनाते हैं और इस क्लास का मेन मोटिव होता है बस स्पॉन्सर्स को शाउट आउट देना। एज ए टिपिकल बॉलीवुड फिर गाना आता है बंटन गैंग का क्या कहना। फिर होती है फ्लाइंग कारपेट की क्लास जिसकी टीचर है वैसे फ्लाइंग कारपेट इज सो रियल, इतना ओरिजिनल आइडिया आया कहाँ से होगा इनके पास। चीटिंग करता है तू। फिर लंच में चंगेजी शानू को बुली करता है और पार्ले जी खाकर उसमें अलग ही शक्ति आ जाती है और वो उसके दो चमचों की धुलाई कर देता है। इसे कहते हैं स्पॉन्सरशिप। शानू के लिए पार्ले जी इज लाइक भीम का लड्डू, एक बार खाओ और बाहुबली बन जाओ। आफ्टर फर्स्ट डे शानू को अपने घर की याद आती है जहाँ उसकी मम्मी होती है और पापा राहुल सिंह जिसकी फोटो गूगल तक पर अवेलेबल नहीं है तो लेट्स इग्नोर हिम। गजब बेइज्जती है। शानू के पापा एक मैजिशियन होते हैं जिनकी डेथ एक मैजिक ट्रिक करते वक्त हो जाती है। अरे तो करनी क्यों है ऐसी मैजिक ट्रिक जो बस की नहीं है, टोपी से चिड़िया निकाल देता ना तो भी लोग ताली बजा देते। आया बड़ा धूम थ्री। अब राहुल का दोस्त दिलबाग। अबे मगर दिलबाग तो। अरे वो वाला नहीं, ये अलग है। हाँ तो दिलबाग शानू की मम्मी को नौकरी ढूंढने में हेल्प करता है जहाँ पर फिर से वो लोग पार्ले जी का स्पॉन्सरशिप स्टार्ट कर देते हैं। अब पार्ले जी करेगा आपका सपना पूरा, पार्ले जी के पैक में पार्ले जी का गिफ्ट हैम्पर। पार्ले जी कॉन्टेस्ट रखता है जिसको शानू जीत जाता है और उसको चांस मिलता है अपने पसंद के स्कूल में पढ़ने का और सेम डे वो कैमलिन की स्कॉलरशिप जीत जाता है और सेम डे उसका बर्थडे भी होता है। इतने सारे कोइंसिडेंस भी होते हैं, ठीक है ना। पूरी हैरी पॉटर ने कॉपी कर रखी, राइटर्स ने भी मेहनत करी है। बैक टू प्रेजेंट, शानू आकर लींबू चाचा से अपने पापा के बारे में पूछता है जो बाय चांस उसके पापा का बेस्ट फ्रेंड निकलता है। कुछ भी। बाय चांस आर्मी वहाँ आ जाती है और वो बच्चों को ड्रग्स देके गायब कर देता है। अब ये आइडिया कहाँ से आया ये मत पूछना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उनकी प्रिंसिपल आर्मी जंगल में अपने अड्डे की तरफ जाती है और शानू गैंग उसको फॉलो करती है ताकि अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाए सो दे कैन हेल्प हर। उसके अड्डे पे वो जाके देखते हैं कि आर्मी ने शानू के पापा राहुल को कैद कर रखा है और चाहती है कि राहुल उसके लिए अमर संजीवनी बनाए जिससे वो अमर हो जाए। और राहुल मुंह पे मना कर देता है। निकल पहली फुर्सत में निकल। और वो दोनों वहाँ पे फिर गाने पे रोमांस करते हैं। ये क्या देखना पड़ रहा है बेचारे शानू को। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर आर्मी उसके पापा को टॉर्चर करती है और शानू की आवाज से उसको पता लग जाता है कि वहाँ पे कोई है। बहन डर गई, बहन डर गई। अभी फटाफट से शानू गैंग वहाँ से कट लेती है। अब एज अ सत्यवान किड शानू डिसाइड करता है कि वो अपने पापा को बचाएगा। मेरे को जाना पड़ेगा। उसके बाद होता है फर्स्ट क्विडिच मैच जहाँ सोर्सर स्टोन की जगह होता है एक झंडा जिसको पोल पे लगाना है। कुछ भी। और प्रिंसिपल इसमें चीटिंग कर रही होती है। फाइनली ये पागलपन खत्म होता है और शानू की टीम जीत जाती है। नाउ इट्स सेलिब्रेशन टाइम और अब होता है प्रभु देवा का डांस। मुकाला मुकाबला होगा। पर आर्मी शानू की जीत से चिढ़ जाती है और उसको 24 आवर्स के लिए जेल में डाल देती है। ये अच्छा। वहाँ शानू लींबू चाचो को बताता है कि उसके पापा राहुल जिंदा है। बैक टू पास, लींबू चाचा बताता है कि राहुल अमर संजीवनी तैयार करता है जिसके बनते ही आर्मी भिखारियों की तरह मांगने आ जाती है। हम भी जरूरतमंद है। पर राहुल उसको देने से मना कर देता है। निकल पहली फुर्सत में निकल। राहुल वहाँ से भाग जाता है और लींबू चाचा वहाँ नौकर बन के रह जाता है। ये फंस गया सी। बैक टू प्रेजेंट, लींबू चाचा के पास एक पर्सनल डोबी होता है जिसका नाम होता है चू चू। हाँ तो वो चूचू जाके उसकी मम्मी को मैसेज देता है कि राहुल जिंदा है। और दिलबाग अब आबरा का टाबरा स्कूल में आ जाता है राहुल को बचाने के लिए और वो धोखे से वहाँ प्रोफेसर लग जाता है। और अब वो सब प्लान करते हैं कि वो राहुल को कैसे छुड़वाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़। वहीं आर्मी को पता लग जाता है कि शानू राहुल का बेटा है और अब वो उसको पकड़ के राहुल को ब्लैकमेल करना चाहती है, एमएमएस बना के नहीं दूसरे तरीके से। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वो जादुई छड़ी हासिल करेंगे आदित्यनाथ वाली जिससे उनको हेल्प मिल सके आर्मी को मारने में। फाइनली वो जैसे तैसे करके मेलो ड्रामा करके छड़ी हासिल कर लेते हैं। आर्मी शानू को फंसा कर अपने अड्डे पे ले जाती है और उससे छड़ी भी ले लेती है और वो ब्लैकमेल करके राहुल से अमर संजीवनी बनवा लेती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
और अड्डे के बाहर ये फालतू का एक्शन चल रहा होता है। शानू फिर से चलाकी से आर्मी से वो छड़ी हासिल कर लेता है और वो अमर संजीवनी भी, और वहाँ चूचू भी आ जाता है और उनकी हेल्प करता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। फिर फालतू का सुपर हीरो एक्शन चलता है और उनको बाय चांस पता लग जाता है कि आर्मी की जान एक तोते में कैद है। अरे मगर तोता तो, अरे ये पैरेट वाला तोता। फिर वो तोते को मार देते हैं और आर्मी एक सेंसुअल मौत मरती है। बस और क्या बचा, विलन मर गया, हीरो जीत गया, दी एंड। मूवी रिव्यू। दिस मूवी इज लाइक स्पॉन्सर्स को शाउट आउट देना विद हैरी पॉटर की स्क्रिप्ट और गंदे जोक्स। इस मूवी में पार्ले जी को इतना शाउट आउट मिला है जितना आर्यन खान के अरेस्ट को मिला था। जलवा है हमारा। आबरा का डाबरा वॉज द फर्स्ट 3D प्लस फिल्म इन इंडियन सिनेमा। माई क्वेश्चन इज, वॉट डज 3D मीन हियर? थ्री डोर। मूवी भले ही 3D हो पर मूवी की स्टोरी लाइन देखकर 3C ज्यादा सूटेबल लगता है क्योंकि मूवी के लीड 3C ही हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोना। मूवी का बेस्ट पार्ट है आर्मी, मतलब कौन से स्कूल में होती है ऐसी हॉट प्रिंसिपल। तो अब बता, करा दे यहाँ तेरे एडमिशन? अबे इस स्कूल में एडमिशन लेने से अच्छा तो मैं पड़ोस के सरकारी स्कूल में पढ़ लूंगा, इस स्कूल में जाके मेरे को मरना थोड़ी है। पीपल डाई एवरी डे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका हैरी पॉटर का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई।